अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब कैरियर से होंगे। तो आप सबका स्वागत है अफरोज के ब्लॉग में। तो बताओ हमें आज तुम क्या दिखाने वाले। तो आज मैं बताने वाली हूँ जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, मेरी वो फेवरेट जगह है और मेरी वो जान है। और आज मैं जो कुछ भी हूँ उसी के नाम की वजह से लोग मुझे पहचानते हैं। तो वैसी कौन सी चीज है अम्मी। वो है मेरा किचन। अरे वाह 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 वाह, मतलब आज फाइनली आप लोगों को हमारे घर का पूरा किचन देखने मिलेगा, एक एक चीज डिटेल में देखने मिलेगी, बराबर ना। तो मतलब कैसा वो कलर रहेगा, क्या कॉम्बिनेशन है हमारे किचन का, क्या कलर है, कैसा थीम है हमारे किचन का, वो सब आपको आज के वीडियो में पूरा हर कुछ डिटेल में देखने मिलेगा। तो आज जो आप लोगों को मम्मी एकदम अच्छे से और अच्छे से दिखाएंगे, एकदम खुशी से मम्मी के चेहरे को ही देख के लग रहा है कि मम्मी इतने खुश है कि आप लोगों को किचन दिखाने के लिए। किचन तो मेरी जान है ना, उधर। और मैं उस किचन को बहुत अच्छे से रेडी करी हूँ और इससे ज्यादा आगे भी आपको देखने मिलेगा। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा किचन बताना। तो चलिए मैं आपको पीछे से अच्छे से दिखाता हूँ। तो मैं खड़ी हूँ अभी दूसरे फ्लोर पे। हाँ। नीचे हमारा हॉल है, हॉल के ऊपर हम लोगों ने किचन बनाए हैं। तो यहाँ पर मैं खड़ी हूँ और इधर से ही जो ऊपर और एक सीढ़ी जाती है वो जाती है बैक रूम में, जैसा कि ये वाली की। हाँ, ये जाती है सीधा बैक रूम में। हाँ। जाती है। और नीचे की भी बता दे। और ये नीचे ये हॉल में जाती है ये सीढ़ी। हॉल, हाँ, ये नीचे की हॉल में है और ये ऊपर बेडरूम में आती है और हमारा किचन बीच में है। तो देखिए इधर पे जो है ना, वॉल पे जो है ना, मैंने इस तरह की फूट लाइट डाली हूँ। हाँ। देखिए हमारी सीढ़ी के पास में इस तरह की मैंने फूट लाइट डाली हूँ, किसी को भी अंधेरे में चलने के लिए आसानी हो, लाइट चालू करके आराम से चल पाए। बराबर। और यहाँ पे मैंने एक लैंप भी लगाई हूँ, जैसे कि बंगलो में लगता है या विला में लगता है, आप लोगों ने देखे रहेंगे। हाँ। तो ये वाली वॉल पे मैंने इधर पे एक लैंप लगाया। हाँ। और ये साइड में एक दीवार मुझे मिल गई थी, तो वो दीवार को हम लोगों ने डार्क कलर मारे हैं, एकदम डार्क कलर मारी हूँ। इसके ऊपर जो है ना मैं पेंटिंग लगाने वाली हूँ। हाँ। जो बहुत ही खूबसूरत सी लगी। हाँ। और ये साइड की वॉल है, ये साइड की वॉल पे हम लोगों ने ये बाहर से लेके अंदर तक का पूरा वॉल पेपर लगाया है। बराबर। ये देखिए ये ग्रे कलर का वॉल पेपर है, ग्रे कलर में। हाँ, ये थोड़ा इसमें शाइनिंग पन है, आप लोगों को वीडियो में ये दिखता रहेगा, लेकिन इसे सामने से थोड़ा चमक रहा है। हाँ, देखो दिख रहा है अभी आप लोगों को। हाँ, थोड़ा चमक है। एक वॉल पे मैंने ग्रे कलर मारी है। बराबर। ये देखिए ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन ज्यादा है मेरे घर में। हाँ, है ना, किचन में। किचन में मैंने ग्रे दी हूँ ज्यादा। बराबर। अब ये है दरवाजा, तो किचन को मैंने लगाई हूँ एक दरवाजा। हाँ। क्योंकि कभी भी मैं रेसिपी बनाती रहूँ या शूट करती रहूँ तो बाहर की आवाज अंदर आनी नहीं आनी चाहिए, इसके लिए दरवाजा मैंने लगाई हूँ। और एसी की हवा भी नहीं जानी चाहिए। बराबर। तो चलिए अभी मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ, आप लोग ये पूरा दरवाजा देखिए। ये पूरा दरवाजा देखिए, हम लोग ने व्हाइट और ग्रे में कॉम्बिनेशन दिए। जो दरवाजा है ये ग्रे कलर का है और इसके बीच में जो ये लाइन गई है ये व्हाइट और ब्राउन कलर मिक्स है, तो यही शेड का हम लोग ने इधर दिए है कि ये व्हाइट हो गया, फुल व्हाइट है ये, इसके ऊपर ब्राउन और ग्रे और ब्लैक का तीनों का शेड मिक्स है। और ये पूरा फ्रेमिंग की है हम लोग ने, ये देखिए पूरा फ्रेमिंग है इसका। ये पूरा सनमाइका का है, लकड़े के ऊपर सनमाइका लॉक का दरवाजा देखिए कितना खूबसूरत है। और इसका लॉक हम लोग ने लगाया है ब्लैक कलर में, ठीक है, इस कलर का ब्लैक कलर में हम लोग ने ये इसका लॉक लगाया है। ग्रे के ग्रे में ब्लैक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है और व्हाइट भी, ग्रे ब्लैक ब्लैक और व्हाइट तीनों का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा रहता है। हाँ, इधर पे भी एक लाइट है, जैसे इधर पे भी हम लोग ने एक लाइट डाले सीढ़ी के इधर ऊपर चढ़ने के लिए काफी लाइट। हाँ, तो चलिए अब मैं जाती हूँ अंदर। हाँ, तुम अंदर चले जाओ, अंदर जाके सारी लाइटें चालू करती हूँ, फिर मैं आता हूँ। और ये दिखाओ मैं अपना किचन, आप लोग देखने के लिए बहुत बेचैन है ना। हाँ, बराबर। क्या अफरोज का किचन कैसा होगा। हाँ। तो आप सबका वेलकम है अफरोज के किचन में, आ जाइए। ओ हो, माशाल्लाह, कैसा लगा मेरा किचन बताओ। मुझे तो बहुत पसंद है और मैं बहुत 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 खुश हूँ। माशाल्लाह, और ये किचन में तुम खड़े हो गए तो सोने पे सुहागा हो गया, एकदम मस्त मस्त मस्त, एक नंबर, फुल रावर्स किचन आप लोग देख सकते हैं। अब इस किचन
स्टेशन पे आपको बहुत अच्छे से अच्छी रेसिपी मिलेगी, बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टिंग में वीडियो देखने मिलेंगे, है ना? बराबर। पहले से भी ज्यादा बहुत अच्छे वीडियो बनाना चाहती हूँ। बराबर बराबर। तो ये सिर्फ मैंने एक किचन ही बनाई हूँ, यहाँ पर सिर्फ हमारा यहाँ पर सिर्फ हमारा किचन ही है। बराबर। बस और कुछ नहीं, ये एक फ्लोर हम लोग ने पूरा किचन को ही दिए, और इसे मैंने बहुत अच्छे से मतलब डेकोरेशन किए, बहुत ही दिमाग से सब चीज, कौन सी चीज किधर लगेगी, कौन सी चीज किस पे क्या अच्छा लगेगा, किस पे कैसा कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा, ये दीवार पे क्या है, ये कैबिनेट कैसा रहेगा, वो कैसा रहेगा, तो सब चीज आप मम्मी ने बहुत दिमाग लगाया, बहुत दिमाग से सोचे है सब चीज। तो अभी मम्मी आपको वो दीवार, वो उधर से एंट्रेंस से मम्मी आपको सब चीज दिखाते दिखाते अभी आए थे। तो चलिए, तो यहाँ से होती है हमारी एंट्री अंदर जाने की। तो यहाँ पर है दरवाजा, जैसा कि आप लोगों ने देख लिए, दरवाजा आप लोगों को दिखा दी। जैसे ही मैं एंट्री यहाँ पर करती हूँ, तो यहाँ पे मैंने बहुत ही बड़ा विंडो बनाया है। बराबर है ना, क्योंकि क्या पास होने को, वेंटिलेशन। हाँ, तो यहाँ पे बहुत बड़ा विंडो बनाई हूँ, और ये विंडो के पीछे इधर पे एसी लगने वाली है। हाँ, इधर एसी लगने वाली है, तो इसके लिए इसका वायर ऐसा दिख रहा है, इधर एसी लग जाएगी, लग जाएगी एसी। और यहाँ पर मैं पर्दा भी लगाने वाली हूँ, पर्दे बनकर आ चुके हैं, मगर अभी लगाई नहीं, मैं बोली बाद में लगाऊंगी। जैसा आप लोग ने हॉल और बेडरूम के वीडियो में देख चुके हैं कि ये क्रिस्टल का है, तो इसी से मम्मी ने इधर भी लगाया कि आसानी से साफ हो जाए और दिखने में भी अच्छा लगे। अच्छा लगे। और दूसरी बात, वॉल पेपर देख सकते हैं आप लोग, इतना खूबसूरत वॉल पेपर लगाई हूँ मैंने ग्रे कलर में। बराबर। आप लोग देखे, ग्रे हल्का सा व्हाइट और हल्का सा ब्लैक मिक्स है इसके अंदर। बराबर। अभी ऊपर जो फ्लोरिंग, ये ऊपर का जो ये आता है पीओपी, हाँ, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हम लोगों ने डिजाइन बनाने बोले थे, वुड का डिजाइन बनाने बोले थे। डिजाइन पूरा पीओपी को मैंने व्हाइट रखी हूँ, और इसको मैंने ग्रे कलर करके वुड का डिजाइन बनाया। बराबर। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं, मैंने नजदीक से दिखा रहा एकदम। और उसी के साथ में नीचे जो हम लोगों ने फ्लोरिंग डाले हैं, वो भी ग्रे में डाले हैं। ये आपने जो पीओपी देखे, वो पीओपी और ये फ्लोरिंग से कॉम्बिनेशन है, मैचिंग है, देखिए। हाँ। है ना? फिर यहाँ पर आती हूँ मैं, इस तरफ अगर आ गई तो यहाँ पर आता है हमारा फ्रिज, डबल डोर वाला बड़ा फ्रिज, डबल डोर वाला फ्रिज है यहाँ पे रखा हुआ है हमारा। और यहाँ पर जो है ये हमारा हॉब है। हाँ, ये हॉब है, ये फिट करना बाकी है। और ये मिक्सर है। बराबर। ये मिक्सर जो है, इसके अंदर सारी चीजें हो सकती है। और ये मिक्सर किधर लगेगा, वो भी आपको मम्मी आगे दिखाएंगे। तो चलिए मैं इसे सरका के आपको फ्रिज बता देती हूँ पहला। तो देख सकते हैं आप लोग आगे से, देखिए अभी मैंने बस फ्रिज को ओपन किया, एकदम क्लीन है। ओहो, माशाल्लाह, जरूर बोलना आप लोग, माशाल्लाह जरूर बोलना आप लोग, पूरा वीडियो देखते रहना, माशाल्लाह बोलते रहना। तो ये इसमें बहुत सारी जगह है, ये फ्रिज में आराम से सारे सामान आ जाएंगे। ये फ्रिज है, और इसके नीचे जो है ना, ये इसके नीचे जो है ये फ्रीजर है। बराबर। इसको मतलब फ्रीज भी बना सकते हैं और फ्रीजर भी बना सकते हैं, ये दोनों चीज के लिए काम आ जाएगा। दोनों चीज के लिए काम आ जाएगा, ये नीचे वाला, नीचे वाला सिर्फ। तो इसे हम बंद कर देते हैं। इसका सारा फंक्शन जो है ना, इधर पे दिया गया है। हाँ, ये देखिए, इधर पे इसके सारे फंक्शन है, ये फंक्शन से आपको काम करना है। बराबर। फ्रिज बनाना है, फ्रीजर बनाना है नीचे का, वो इसके फंक्शन से होगा। बराबर, हो गया। ये वाली दीवार पे मैंने दी हूँ ग्रे कलर, ग्रे कलर, ग्रे कलर यहाँ पर है। और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ, ये चैनल है। हाँ, ये चैनल को मैंने बोली थी मुझे कवर करना है पीओपी में। बराबर। इसको पीओपी में कवर करके इधर पे भी हम लोगों ने कुछ वुड का डिजाइन किया, ये पेंटिंग से किया हुआ है। हाँ, ये पेंटिंग, ये जो हम लोग, जब हम लोग के जो पेंटर थे, ये उनने किए, काफी फिनिशिंग से पेंटिंग की ये। और ये देखो, आपको सेम सेम लगता रहेगा। और यहाँ पे इस तरह के मैंने ग्रे कलर के सारे बोर्ड लगाए हैं। हाँ, ये देखिए, ये जो इसका, ये भी ग्रे कलर का है, और इसका स्विच भी है, वो भी हम लोग ने ग्रे कलर का ही बनाया कि कॉम्बिनेशन में मैच हो करके। बराबर। और साथ ही में फैन भी मैंने जो लगाई है, वो भी ग्रे कलर, फैन भी ग्रे कलर का लगाया है, और ब्लैक मिक्स मैंने फैन लगाया। ये रिमोट वाला फैन है, रिमोट वाला। हाँ, और ये वाली वॉल जो है, ये वाली वॉल जो है, ये मुझे पूरी प्लेन और खाली मिली थी, तो यहाँ पर मैंने वॉल पेपर लगाया। ये ब्रिक वाला वॉल पेपर है, ग्रे और व्हाइट में। हाँ। बराबर। ये वॉल पेपर पे मेरे दोनों सिल्वर बटन जो है, वो आ गए हैं। मतलब इधर दो सिल्वर प्ले बटन आएंगे इधर, और उसके साथ इधर अल्लाह और मोहम्मद के फ्रेम आएंगे, जो हम लोग ने मोहम्मद अली रोड से लिए है, बम्बई से। और कुछ और भी शो का सामान
हाँ और भी कुछ भी शो का सामान आएगा वो सब तो आपको आगे तो अभी देखने ही मिलेगा कुछ ना कुछ। तो चलिए अभी यहाँ पर हम एंट्री करते तो यहाँ पर आता है बाथरूम बराबर। ये मैंने ये बनाई है मतलब इधर वॉशिंग मशीन और नहाने धोने का ये इधर डब्ल्यू सी है नहीं नहाने धोने की जरूरत नहीं लेकिन ऐसी लगा है हम लोग ने। हाँ तो बराबर हाँ यहाँ पे मैंने ग्रे और व्हाइट कलर का ये डाली मैट डाले हाँ तो पहले बाथरूम दिखा दो। हाँ दिखा दो। तो इधर पे भी मैंने वही दरवाजा लगाई हूँ जो आपने हॉल और बेडरूम में देखे रह गए जो डिजाइन है ये डिजाइन सेम है खाली कलर अलग है। इसमें ग्रे है हॉल में ऑफ व्हाइट है हाँ। और बेडरूम में ब्राउन कलर है। तो ये है हमारा इधर का बाथरूम। ये सिर्फ मैंने रखे हूँ कपड़ा धोने के लिए और यहाँ पर सिर्फ हमारी मौसी बर्तन धोएगी बराबर। ये देखिए इधर कुछ नहीं इधर एक वॉशिंग मशीन है और एक कपड़े टंगाने का है इधर हार्पिक वगैरह जो भी मतलब कपड़े स्टैंड लगा स्टैंड बना के रखे। हाँ स्टैंड लगा दी कि वहाँ से सामान ले लूँ और वहाँ पे हमारा सब काम हो जाए तो सारी चीजें वहाँ पर रख दी बराबर है ना। और यहाँ पे वॉशिंग मशीन के पास में डायरेक्ट नल भी आ गया अपना इसी काम हो जाए बराबर है ना। इसके अंदर भी मैंने ये करी हूँ। अब टाइल्स देखो ये पूरी टाइल्स है व्हाइट ग्रे व्हाइट ग्रे और ये बीच में ये सिल्वर पेंसिल है काफी अच्छे से काम हुआ। ये शावर लगा दिए एक ये शावर का है शावर और एक ये वॉल है वो ये इसका टाकी का वॉल है और इधर दो नल लगा है उधर ओवरफ्लो होएगा तो वो चीज का है। और एक बाल्टी है वो बाल्टी में मैंने सारे अपने जो रूम में लगेंगे ना वॉश धोने के लिए धोने के लिए जो भी चीज लगती है ना वो एक बाल्टी में मैंने रखी हूँ। जब मौसी को चाहिए तो मौसी बाल्टी के साथ उठा के लेके जाएगी और सारे मेरे रूम साफ करके लेके आके ऑफिस इधर पे बराबर। इधर का देखो बाल्टी भी मम्मी ने ग्रे कलर में लिए कोई चीज नहीं छुटनी चाहिए सब ग्रे और व्हाइट और ब्लैक में होनी चाहिए है ना। आपने देख लिया ये ऊपर जो हम लोग ने ये पीवीसी लगाए है ये भी व्हाइट और ग्रे में लगा है काफी चमकदार है एकदम चमक ये देखिए आप लोग देख सकते मस्त एकदम मजेदार बन गया एकदम मस्त। तो चलिए अभी निकलते हैं इधर से बाहर अभी आते हैं हमारे मेन किचन की तरफ। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मैंने टेबल से बता रही हूँ आपको ये टेबल जो रहेगा ऐसे सामने और सामने रहेगा आसिफ वीडियो शूट करता रहेगा। हाँ। पहले जैसे मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी जैसे कि मैं इसे खाना पकाती थी तो आसिफ इधर से शूट करता था तो थोड़ी तकलीफ हो जाती थी बराबर। तो अभी सामने सामने से एकदम काम हमारा आसान होगा बराबर। इधर हमारा ये हॉब रहेगा ये हॉब हाँ इधर पे हॉब रहेगा यहाँ पर और इधर से तो मतलब चूल्हा 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 हिंदी में शुद्ध हिंदी बोले तो चूल्हा इंग्लिश में तो हॉब। और इधर से हमारा जो सिलेंडर का पाइप है वो जाएगा इसमें से इधर खड्डा करके रखे इस पे सिलेंडर का पाइप डालना बाकी है। हाँ ये कोई टाइल्स नहीं है ये कोई कड़पा नहीं है इसको कॉर्ड्स बोलते हैं बहुत हैवी रेंज में मैंने इसे ली बराबर। अभी इसी के ठीक इधर के सेंटर में जब हम आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये उर का दिखेगा तो ये मैंने बनाई हूँ इधर पे मैं रखूंगी सिर्फ हमारे शो पीस बराबर है ना। हाँ। यहाँ पे जैसे कि कुछ भी पॉट रख दूंगी जैसे कि कुछ भी शो पीस इसके अंदर शो का आइटम कुछ भी रख सकते हाँ। जो आपको वीडियो में देखने के लिए अच्छा लगे बराबर। उसी के जस्ट बाजू में ये आपको सेटल दिखेगा बराबर। ये सेटल बहुत ही मजेदार है ना। इस सेटल को हम ऐसे करके ओपन करेंगे ये इतना ओपन हो जाए इसके अंदर हमको ये मिलेगी स्टोरेज मिलेगी ये और ऊपर होता है हाँ इतना ऊपर होता है ऊपर जाता है ऊपर इसमें स्टोरेज मिलेगी। इसमें जैसे कि हम कुछ भी डब्बे वगैरह रख सकते हैं इधर भी कुछ भी रख सकते हैं और यहाँ पर जैसे कि मैंने रखी हूँ मिक्सर के लिए बराबर क्योंकि अब मुझे किचन में कोई सामान बाहर पसंद नहीं आता है। पहले भी नहीं रखती थी मैं और अभी तो ये किचन में बिल्कुल नहीं रखूंगी। तो यहाँ पर मैं रखूंगी हमारा मिक्सर मिक्सर के जो जार होते हैं जो भी मिक्सर का बर्तन होता है वो सब इधर आ जाएगा। मेरा खीमा पीसने की जो मशीन है वो इधर पे सब आ जाएगी। इधर पे मैंने लाइट का बोर्ड भी दी हूँ बराबर इधर मिक्सर का प्लग लग जाए और मिक्सर को ऐसे निकाल लूं इधर ही मसाला पीस लूं उसके बाद में वाटी हटा के मिक्सर को अंदर रख दूं और इसको बंद कर दूं। शटर आसानी से आराम से एकदम हाँ, ये शटर आसानी से ऐसे बंद हो जाता है। ये कोई यूनिक लाया हम लोग ने अलग लाया हाँ, कुछ किचन में कुछ अलग है वहाँ बस हाँ, देख लिया आपने। और ये भी मैंने ब्लैक में लगाई हूँ फ्रिज भी ब्लैक में है और ये भी मैंने ब्लैक हाँ, और ये जो हम लोग ने इधर जो वुड का दिए है ये टेक्सचर हम लोग वुड का इधर सामने भी दिए ये आप लोगों को दिखाना भूल गए कि ये भी हम लोग ने सामने ये वुड का दिया आप लोग देख सकते हैं। देखो जो इधर है वुड का वो वुड ये इधर का है
बराबर। हाँ तो चल अभी तू ऐसे घूम के आ जा, यहाँ पर मुझे जो है ना बहुत सारी जगह मिलती है, यहाँ पर मैं भी खड़ी हो सकती हूँ और मेरे साथ में एक जन और भी खड़ा हो सकता है, बराबर है ना, इतनी जगह इधर पे है। हाँ तो यहाँ पर जो है सबसे पहले किचन के नीचे, हाँ किचन के नीचे इधर पे आता है सारे चमचे वगैरह रखने की ट्रॉली, बराबर इसके अंदर हम सारे चम्मच वगैरह रख, चम्मच नाइफ चाकू वगैरह रख सकते, सब 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 रख सकते, और इसे निकाल के हम वॉश भी कर सकते, बराबर यहाँ से भी निकल जाता है। अभी ये चम्मच वगैरह रखने का मैंने आपको बता दी, अभी इधर पे आता है आप अपने छोटे मोटे कुछ भी गिलास रख दो, यहाँ पे आप जैसे कि कटोरे रख दो, यहाँ पे आपके छोटे से सासर आते हैं वो रख दो, कुछ भी आप इसमें सामान रख सकते हैं हमारे जरूरत के हिसाब से। अभी इसके अंदर आएगा प्लेट, बराबर इसके अंदर हम छोटी बड़ी जो भी प्लेटें चाहे, वो खाना खाने की प्लेट हो या टोप के ऊपर ढक्कन रखने की प्लेट हो, और अम्मी ने सब चीज ऐसी लगाई कि सब चीज रिमूव करके अच्छे से उसको वॉश कर सके। अभी यहाँ पे जो है जस्ट बाजू में देख सकते हैं, हाँ ये एक स्टोरेज मिली हमको, स्टोरेज की जगह है, हाँ ये बताओ ऐसे, हाँ ये स्टोरेज है, यहाँ पे हमारे घास का बाटला आ जाएगा, यहाँ पे हमारे चावल का डब्बा आ जाएगा, हाँ यहाँ पे हमारा आटे का डब्बा आ जाएगा, यहाँ पे छोटी मोटी कुछ भी सामान हम रख सकते हैं, बराबर है ना। फिर इसे हम बंद कर देंगे, फिर मैं इस तरफ घूम जाती हूँ। हाँ तो यहाँ पर मैंने बहुत बड़ा सा ये बनाई हूँ, अब ये मैंने क्यों बनाई हूँ पता है, इसके अंदर मैं रखने वाली हूँ हमारे टोप, बराबर मेरे टोप हो गए, मेरे कुकर हो गए, ये सब बड़े बड़े सामान जो है ना वो मैं इसमें रखने वाली हूँ। पहले कैसा मेरा ऊपर था, तो ऊपर से मैं बच्चे लोग को बोलती थी जरा मेरे को निकाल के दे दो ये करो, तो अभी मेरे टोप वगैरह इधर रहेगा तो मैं आसानी से निकाल सकती हूँ, कुकर निकाल सकती हूँ, बराबर है ना। सेम ऐसा ही मैंने नीचे भी बनाई हूँ, ये देखिए, हाँ नीचे भी सेम मैंने ऐसे ही बनाई हूँ, और ये जो है ना ये इसके ऊपर हम डालने का मैट है, ये मैट मतलब जो नीचे का वो व्हाइट है वो गंदा नहीं होगा, ये हो गया। उसके बाद में देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर मैंने अंदर साइड में हम लोगों ने लाइट डाले हैं, प्रोफाइल लाइट डाले हम लोगों ने, पूरा प्रोफाइल लाइट, कोई चीजों का नाम तो मुझे पता नहीं है मगर बस दिमाग लगा लगा के कर लेती हूँ, उतना ही बहुत बड़ी बात हो, इधर भी प्रोफाइल लाइट है और फिर इसके नीचे भी प्रोफाइल लाइट गई है, देखिए इसके नीचे भी इधर पूरी प्रोफाइल लाइट गई है और इधर नीचे भी प्रोफाइल लाइट गई है, आप लोग को लाइट दिखती रहेगी, नीचे पूरी प्रोफाइल लाइट गई है। अभी ये और ये देखिए ऊपर साइड में, हाँ ये साइड का ऊपर भी स्टोरेज है, हाँ ये पूरा स्टोरेज है, हाँ, ये एक दो तीन चार, ये चार पूरा स्टोरेज है, पूरा स्टोरेज है, जैसे हाँ, कि हम जैसे कि बड़े बड़े डब्बों में हमारा राशन भर के ऊपर रख दो, और थोड़े एक एक किलो मैं ज्यादा ज्यादा सामान लेके आती हूँ आप लोगों को पता है, और यूज करने के पुरता जो है वो एक एक किलो मैं निकाल लूंगी एक डब्बे में और वो इसके अंदर रख लूंगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये छोटा सा ऐसे बनाने बोली थी उनको, ये पूरा दिमाग मैंने बोली थी कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए, बराबर ऐसा मुझे चाहिए करके मैंने उनको पहले बोली थी, बड़े डब्बों में हमारा पूरा राशन भरा रहेगा और एक छोटे छोटे से डब्बों में एक एक किलो के आधा आधा किलो के पाव पाव किलो के डब्बे में हम सामान थोड़ा थोड़ा निकाल के इधर पे सारे डब्बे में रख लूंगी आसानी से, पूरा अंदर तक, क्या हाँ ये पूरा अंदर तक है देख सकते हैं, और फिर क्या मुझे आराम से मैं इधर से निकाल कर ले सकती हूँ, किसी को परेशानी करने की जरूरत नहीं, बराबर हो गया। हाँ सारे डब्बे वगैरह भी लाके मैंने रखे, हाँ और ऊपर पूरा ये व्हाइट ग्रे और ब्लैक तीन कॉम्बिनेशन में, बराबर, और यहाँ पर जो है यहाँ पर मेरा सब शो का सामान आएगा, हाँ यहाँ पे मैं सारे गिलास कपने कप और बहुत डिनर सेट जैसा आता है, हाँ वैसा कुछ हम एंटिक सामान, एंटिक सामान जो ये, क्योंकि ये बैकग्राउंड जो है ना ये बैकग्राउंड वीडियो में हमेशा दिखेगा, तो ये बैकग्राउंड को हमको अच्छा रखना है, एंटिक रखना है, कभी भी एक लुक नहीं रखना है, लुक को चेंज करते रहना, बराबर आप लोगों को मेरे वीडियो में देखने के लिए मिलते जाएंगे, बराबर है ना। ये देखिए यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मैं चीजें रखूंगी, यहाँ पर भी हम लोगों ने लाइट डाले हैं, प्रोफाइल लाइट, और यहाँ पे भी हम कुछ भी रख हाँ, सकते हैं, और इसके अंदर भी लाइट है आप हाँ, लोग देख सकते हैं, सरफेस लाइट ये ओपन होता है, देखो हाँ ओके बराबर, हाँ देख सकते हैं आप लोग ऊपर भी कुछ भी सामान रख सकते, कुछ भी सामान बंद करके देखा अभी आसानी से, ये तो छोड़ दे हाँ, बंद हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, कुछ आवाज विवाज कुछ नहीं आएगी, है ना। यहाँ पे भी हमारा सामान है, हाँ हो गया, हाँ बराबर, नीचे का तो बता ही नहीं मैंने, ये सब हाँ, तो उसके बाद बता दो, अभी जो आसिफ को बहुत पसंद है वो जगह बताती हूँ, हाँ, तो ये वाला है ना आसिफ, आसिफ बोलता है
अपने घर पे जब कोई भी मेहमान आए ना तो मैं इसी को बार बार खोल के दिखा दूंगा। तो ये मस्त है, आप लोगों को ये मैं ही खोल के दिखाता हूँ, रुको देखिए। मस्त एकदम। ये है मैजिक कॉर्नर, ये मैजिक कॉर्नर है ये। इसमें हमने क्या रख सकते हैं तुम, मतलब अपने हिसाब से रख सकते हैं अपने डब्बे, तो मसाले जैसे कि अपने चिली फ्लेक्स हो गया, ऑरिगेनो हो गए, या कुछ भी अपन जो मसाले लेके आते हैं बाहर से, वो मसाले छोटे छोटे डब्बों में भर के इधर पे रख दो, या कोई दाल वगैरह के डब्बे वगैरह रखना है तो रख सकते हो। सब अपने अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से सामान हर इंसान अपने हिसाब से रखता है। किसी को अगर इसमें कप विप रखने हैं या गिलास वगैरह रखना है तो वो भी रख सकते हैं, बराबर है ना। ये इसी तरह से ऐसे बंद हो जाएगा, ये ऐसे बंद भी हो जाएगा आसानी से, और आसानी से ऐसे ये खुल भी जाएगा, और इसे साफ करना भी बहुत आसान है। ये ट्रॉली पूरी निकलती है बाहर, इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं, निकाल के वॉश करके फिर इसे हम लगा सकते हैं। देखिए कंफर्टेबल है, ये निकल सकता है, और अंदर का भी आप निकाल के अच्छी तरह से फिर इसे साफ कर सकते हैं, बराबर। इसको बोलते हैं मैजिक कॉर्नर, इसे बोलते हैं मैजिक कॉर्नर। जस्ट मैजिक कॉर्नर के बाजू में ही मैंने मसाला पॉट का रखी हूँ, क्योंकि मसाला पॉट मुझे इधर देना था ये साइड में, तो ये साइड में नहीं आया, उन्होंने बोले ये साइड में नहीं आएगा, तो मैं बोली ठीक है पीछे साइड में कर दो। तो कोई बात नहीं, रेसिपी लिख बनाने के समय तो सब मसाले में थोड़े थोड़े पहले निकाल लेते हैं, बराबर। तो ये देखिए ये भी काफी मजबूती से बनाया हुआ है, और ये तीन बनाए, एक दो तीन, माशाल्लाह मसाला पॉट है ना। हाँ। तो ये मसाला पॉट भी आसानी से ऐसे बंद हो जाता है, जोर से बंद करो थोड़ा। उसके जस्ट बाजू में, जस्ट उसके बाजू में आता है हमारा, यहाँ पर मैंने बनाई हूँ डस्टबिन का डब्बा, यानी कचरे का डब्बा। ये देखिए ये कचरे का डब्बा, एक गीला कचरा डालने का, एक सूखा कचरा डालने का, और ये आसानी से जो है ना इधर, ये ऐसे आसानी से निकल जाता है, और निकाल गया और फेंक के आप आके इसे धो के फिर से इसके अंदर ऐसे रख दो, बराबर ऐसे बंद कर दो, ये अपने आप बंद हो जाएगा। यहाँ पे आता है सोफ, यानी बर्तन धोने का साबुन, काटा या कोई भी चीज आप इधर पे अपनी रख सकते हैं, बराबर। मगर मैंने तो सारे बाथरूम में बना चुकी हूँ, तो मुझे इधर कुछ दूसरी चीज रखने के लिए काम आ जाएगा, बराबर। इधर पे भी मैं कुछ भी चीजें अपनी रख सकती हूँ, इतना स्टोरेज है। हो गया, ये देखिए यहाँ पर जो है ये हमारा वॉश बेसन है, वॉश बेसन, ये हमारा हॉब इधर रहेगा, हॉब के जस्ट पीछे हमने वॉश बेसन रखे है। और यहाँ पर ये जाली है, ये जाली में आप कुछ भी रख के धो सकते हो, जैसे कि फ्रूट हम लेके आ गए, फ्रूट रख दिए आराम से इधर पे, नल चालू कर दिए, ये धो लिए, देख सकते हैं हमारा। ये देखिए ये नल मैंने ली हूँ, ये सिलिकॉन पाइप है, लोहा चाल से, हाँ सिलिकॉन पाइप है, ये ऐसे आराम से घूमेगा, जिधर चाहो उधर पे आप घुमा के इसे ऐसे चावल जैसा कर सकते हो, बराबर। और फिर इसे आपको ऐसे नल बनाना है तो नल भी बना सकते हो, है ना। ये हमारे टाकी का नल है, और ये वाला जो है हमारे डायरेक्ट नल, डायरेक्ट नल है। देख लिया आप लोगों ने कैसा लगा आप लोगों को। चलिए अभी हम आते हैं इस तरफ, तो यहाँ पर भी मुझे बहुत क्या मिला है, बोलता ये स्टोरेज है, ये एक दो स्टोरेज है, ये ऐसा कुल नाला बनाया हम लोगों ने। देखिए कितना डेप्थ, कितना इसका, और देखो काफी अच्छा डेप्थ है, दो दो डब्बे बड़े बड़े आराम से आ जाएंगे, छोटे रखेंगे तो तीन आ जाएंगे आराम से एकदम, हाँ आराम से आ जाएंगे। दोनों स्टोरेज मिले हैं, हाँ, और सेम उसी के बाजू में यहाँ पर है कोटमाला, कोटमाला एक छोटा सा मुझे जगह मिल गई थी, कोटमाला बना दी मैंने उसको बाथरूम के ऊपर, और उसी के ऊपर मैंने सेम इसी कलर का ये लगाई हूँ, व्हाइट कलर का दरवाजा जो किचन में है वही सेम दरवाजा, जो उधर आपको दिखता रहेगा वही सेम इधर है। और यहाँ पे आते हैं हमारे दोनों अवन, बराबर है ना। हाँ तो ये एक अवन है, अब अवन की रेसिपी भी आपको देखने मिलेगी, है ना, बराबर। अब तो अवन को भी देखने मिलेगी, ये माइक्रोवेव है और ये माइक्रो ओवन है। अभी इसके अंदर कैसे करना है, क्या करना है, इसकी बुक के अंदर सारा लिखा हुआ है, आतिक मुझे सब करके बताएगा। और ऐसा थोड़ा बहुत मुझे अवन चलाने आता भी है, क्योंकि पहले से मेरे घर में अवन था, तो अवन मुझे चलाना आता है, कैसे यूज करना है अवन को। और ये क्या आते हैं नीचे, ये माइक्रो ओवन है और ये माइक्रोवेव है। अच्छा। इसमें जैसा कोई भी चीज आप गर्म कर सकते हैं, दूध गर्म कर सकते हैं, चावल उबाल सकते हैं, कोई भी चीज ऐसा ठंडी, आपको गैस नहीं यूज करना है तो ओवन में डाल दिया, टाइम टेम्परेचर लगा दिए, हाँ पांच मिनट में मस्त गर्म हो जाएगा। हाँ। और इसमें कोई भी चीज बेक हो, जैसे अक्खी तंदूरी रख दी इसके अंदर, केक बना सकते हैं,
इसके अंदर तो मैं पक्का तंदूरी बनाने वाली हूँ, है ना। अभी इसकी फिटिंग होना थोड़ा बाकी है, इसकी हो गई है, इसका थोड़ा वायर में गड़बड़ हो गई थी तो इसका रुकाया है, अभी इसकी भी हो जाएगी ना। तो ये दोनों ओवन हो गए हमारे माशाल्लाह। अभी आप ये नीचे, तो ये नीचे जो है, ये नीचे हम लोग ने बनाए हैं बास्केट, सब फ्रूट वेजिटेबल रखने के लिए, रखने के लिए। ये हम रमजान में फ्रूट लेके आ जाते हैं तो वो रखने के लिए, ये देखिए इस तरह के मैंने बास्केट बनाई है, है ना। अब ये बास्केट जो है ना, उन्होंने बोले थे कि इसे ओपन ही रखा जाता है, तो मैं बोली नहीं मुझे ओपन नहीं चाहिए। अगर ये ओपन रहेगा तो इसके अंदर बार बार धूल मिट्टी बैठेगी तो वो गंदा दिखेगा। तो मैंने उनको बोली देखो मुझे ना दरवाजा बना के देना, तो उन्होंने ना माशाल्लाह बहुत अच्छे से मुझे ये दरवाजा इस तरह का बना के दिए, और हमारे कांदे बटाटे फ्रूट के अंदर हवा भी पास होने चाहिए इसके लिए, इस तरह का ये लगा, हाँ, गैप बना के दिए वेंटिलेशन जाने के लिए, हवा जाने के लिए, है ना, बराबर। और फिर यहाँ पे भी सारे बोर्ड है, यहाँ पे भी मैंने एक फुट लाइट दी हूँ बराबर किचन में, है ना। तो आप लोग अभी किचन को अच्छे से देख लीजिए कैसा लगा आप लोगों को मेरा किचन, दूर से मस्त एकदम प्यारा दिख रहा है, मालूम दूर से प्यारा दिख रहा है, एकदम मस्त दिख रहा है। तुम सेंटर में खड़े रहो ना, एकदम प्यारा मस्त। हाँ तो चलिए, तो मम्मी और नहीं होते मैं आपको ऊपर के चीज दिखा देता हूँ। तो ये हम लोग ने ऊपर पूरा ये पीओपी किए है, और ये देखिए डिजाइन कैसी लगी आप लोगों को, ये डिजाइन कमेंट में दिखा है, पूरा वुड की डिजाइन है। जो डिजाइन आपने इधर देखे थे वो डिजाइन ये इधर है, और इसके अंदर हम लोग ने छोटी छोटी लाइट डाले, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये छह लाइट, ये सब मेरा आइडिया है, क्योंकि ये चार एक लाइट ये इस पे फोकस पड़ रही है। तो कैसा इधर हमारा रहेगा गैस हॉब चूल्हा, तो ये चूल्हे से डायरेक्ट मतलब लाइट की फोकस डायरेक्ट हमारे रेसिपी पे जाएगी। और ये हम लोग ने चार ये क्या लाइट बोलते हैं इसका नाम मैं भूल गया, अच्छा इसका नाम है आप लोगों को मालूम है तो कहने, क्या नाम था इसका, मैं भी भूल गया, इसका नाम अच्छा है कुछ। तो ये लाइट भी हम लोग ने लगाई क्योंकि हम लोग को वीडियो निकालने के लिए लाइट की कमी ना पड़े, अगर कमी पड़ती है अंधेरा लगता है तो हम स्टैंड वाली लाइट भी हमारे पास है तो वो भी हम लगाएंगे। ज्यादा लाइट भी यूज नहीं करना चाहिए, ज्यादा लाइट यूज करने से ज्यादा उजाले से भी कालापन दिखता है, आप मतलब अपने हिसाब, हम लोग हम हमारे हिसाब से नहीं बना रहे, फोन से बन रहे हैं। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को कितनी अच्छी लग रही है इसकी क्वालिटी, मोबाइल से ही माशाल्लाह मेरे किचन की क्वालिटी इतनी अच्छी लग रही है, मैंने ज्यादा लाइट नहीं भरी हूँ इसके अंदर, और ज्यादा कुछ एकदम भड़क भड़क चीज नहीं की हूँ, एकदम डिसेंट लुक रखी हूँ मैंने। तो ये आपको क्वालिटी कितनी अच्छी लग रही है मुझे कमेंट में जरूर बताना, बता देना आप लोग मुझे, आप लोग और बताना कि किचन कैसा बना, इसमें क्या चीज की कमी है। हाँ, मैंने इसके अंदर चिमनी नहीं लगाई हूँ, चिमनी की पूरी बुकिंग हो गई थी मगर बाद में मैंने चिमनी को कैंसिल कर दी। चिमनी लगाने जरूरत नहीं होगी, हमारे पास इतनी बड़ी खिड़की का वेंटिलेशन है, और हमने ऊपर से एग्जॉस्ट पंखा भी लगाया, कुछ मतलब कुछ ग्रिल विल कर रहे हैं हमें, कुछ कबाब वबाब बना रहे तो उसको धुआने का एग्जॉस्ट पंखा चालू कर दो तो वो अपने आप बाहर निकल जाएगा। तो कैसा लगा आप सबको किचन, अम्मी तुमको तो कैसा लगा, तुम बताओ, तुम अपना बताओ। अरे मैं क्या बोलूं मेरे बारे में, तो मुझे तो इतना पसंद आया है किचन के पूछे मत, बस सोच रही हूँ कब आओ, और आ तो गई हूँ मगर अभी तक रेसिपी शूट नहीं हुई, खाना कुछ बना नहीं है, इंशाल्लाह बहुत जल्द रेसिपी, बहुत जल्द आप लोगों को रेसिपी देखने मिलेगी। और आप सबको कैसा लगा किचन, वो भी कमेंट में जरूर बताना, कमेंट से भर दो, इतने कमेंट करो, इतने कमेंट करो, 10,000 के ऊपर कमेंट कर दो, 10,000 के ऊपर कमेंट कर दो, इतने कमेंट करो कैसा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने माशाल्लाह जरूर बोलना, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सबसे पहली बात तो ये कहना चाहती हूँ कि मेरे हॉल के वीडियो पे, और मैंने हॉल का बाथरूम डाली थी, मैंने बेडरूम डाली थी, तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिए, बहुत बहुत लोग इंतजार कर रहे थे 5 महीने से, तो आज वो इंतजार की घड़ी खत्म हुई आप सबकी। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ में ये सब चीजें शेयर करने के लिए, इंशाल्लाह अभी यहाँ पर हम खत्म नहीं होते, हम आगे अब बढ़ते जाएंगे, आप लोगों के साथ में आगे हम और जुड़ते जाएंगे। और दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि आगे आप लोगों को और वीडियो देखने मिलेंगे,
अभी तो बहुत सी चीजें बाकी है, बहुत चीज बाकी है। अभी हमने नया घर बनाया तो क्या किताब कुरान खानी करना है, कुरान खानी होगी। अभी सबसे पहले मैं कुरान खानी करूंगी, कुरान खानी के बाद में फिर हम गौसे पाक की 11 किताबें पढ़ाएंगे। उसके बाद में फिर मुझे फिर और बहुत 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 फंक्शन है आगे, आप लोग को सब देखने मिलेंगे। अभी वीडियो इधर खत्म नहीं होता है, अभी सोचे कि आपके अभी पूरा घर दिखा दिए, अभी क्या है दिखाने को, अब क्या है, अभी तो बहुत दिखाने, आगे तो सरप्राइज है अभी आप लोगों को। वो सरप्राइज हम लोग अच्छे से बैठ के आप लोगों को दिखाएंगे, घर बन गया, अभी आगे क्या सरप्राइज, आगे क्या सरप्राइज है वो देखना बाकी, आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा किचन कमेंट में, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो चुका है, फिर हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे अभी। तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, लाइक कम से कम कितना 20-30 हजार लाइक आनी चाहिए आराम से, 20-30 हजार लाइक करो, 10 हजार के ऊपर कमेंट करो, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो कि अफरोज आपका किचन ऐसा है करके, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, अफरोज रेसिपी ब्लॉग को, ठीक है। तो चलिए अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अल्लाह हाफिज।